कल जिस तरीके से बक्सर के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपनी पटरियों से उतर गई, उसके बाद लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही है काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है। अब ये बता दें, हम मौजूद हैं एम्स पटना में, यहाँ पर 12 मरीज एडमिट हैं जिसमें से एक की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, 4 गंभीर रूप में है और जो बचे लोग हैं उनको छोटी मोटी चोट आई है। लेकिन आपको आज पहले एम्स का नज़ारा दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था कल रात को। कल रात शायद लगभग 9:30 बजे जो रेल हादसा हुआ था, उसके बाद बिहार में पूरी तरीके से हरकंप मच गया, हर कोई परेशान नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहाँ पर बन गया था और काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। पटना में अलग अलग निजी अस्पतालों में ये लोग एडमिट है, लेकिन अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में 12 मरीज एडमिट है जिसमें से 4 की बोल सकते हैं हालत जो है वो गंभीर है, एक की हालत क्रिटिकल है और जो बचे लोग हैं उनको इधर उधर चोट आई है। लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि अब क्या जांच में निकल के आता है। अगर सुबह की बात करें तो हम यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा भी आए हुए थे और उन्होंने मरीज़ों से मुलाकात की और मुलाकात करके जानने की कोशिश की कि उनकी तबीयत में क्या कुछ सुधार है, क्या कुछ यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है। अगर एम्स की बात करें तो हम एम्स में काफ़ी बेहतर इलाज होता है, लेकिन अगर 12 लोग यहाँ आए हैं तो सोचा जा रहा है कि ये 12 लोग यहाँ से ठीक होके जाए, लेकिन जो हादसा था काफ़ी ज़्यादा गंभीर था जिसकी वजह से जो एक मरीज़ जिसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अब ये देखना होगा कि उसकी जान बच पाती है कि नहीं। हालांकि बक्सर की अगर हम बात करें तो बक्सर में स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से ट्रेन में लोग मौजूद थे उनकी मदद की वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। पटना के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट है काफ़ी ज़्यादा लोग जिनको चोटें लगी हैं, चाहे बात करें हम PMCH की या बात करें हम IGMS की या फिर बात करें हम किसी और अस्पताल की। पटना में लगातार हर अस्पताल में आपको कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे उनकी तस्वीरें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। विजय कुमार सिन्हा ने ये भी कहा है कि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक हादसा था या फिर किसी की गलत मंशा थी जिसकी वजह से लोगों की जान कहीं ना कहीं खतरे में चली गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें सम्राट चौधरी की तो सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जो हादसा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है क्योंकि कोई भी हादसा अगर होता है तो उसमें कई लोगों की जान जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं और ये देखना भी बहुत ज़्यादा लाजमी होगा कि कितने लोगों की जान जाती है। उन्होंने कहा इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। और दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव रात के बोल सकते हैं रात को ही लाइव आके उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए अपना दुख व्यतीत किया क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो महागठबंधन की है और बक्सर में जिस तरीके से रेल हादसा हुआ कहीं ना कहीं लोग ये भी बातें कह रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। अब देखना होगा कि तस्वीरें क्या कुछ निकल के आती है। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है, सहयोगी हीरा के साथ IBTV पटना। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।